साथियों नमस्कार कैरियर की कड़ी में अगली वीडियो कल आएगी परंतु आज एक वीडियो भेजना आवश्यक है जो कि उन बच्चों के लिए है जो बी आर में एडमिशन लेने जा रहे हैं इस साल क्योंकि इस पैंडमिक की स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं बी आर के बच्चों के लिए इसमें एलिजिबिलिटी टेन प्लस टू के साथ साथ टेन प्लस थ्री जो डिप्लोमा वाले हैं जिनके पास मैथमेटिक्स है वो बच्चे भी इस टेस्ट के लिए अवेलेबल एलिजिबल कर दिए गए हैं दूसरा कि जैसे कि कंडीशन है कि जो बच्चा है उसने नाटा का टेस्ट या जी का टेस्ट क्वालिफाई कर लिया हो जो कि कंपलसरी है अब नाटक 2020 के लिए ट्वेंटी अगस्त 29 अगस्त ऑनलाइन टेस्ट की डेट फिक्स है और जो दूसरा टेस्ट होगा वो सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होगा तो इसीलिए आपसे निवेदन है सलाह है कि जो बच्चे आर्किटेक्चर में जाना चाह रहे हैं वो इस इन तारीखों को ध्यान में रखें ताकि ये मिस ना हो और उसमें रहे फ्रेंड्स द गवर्नमेंट हैज गिवन द रिलैक्सेशन इन बी आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन रिमेंबर दिस इज फॉर दिस ईयर ओनली इन व्यू ऑफ द ऑन गोइंग कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक एंड द पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ द क्लास ट्वेल्थ एग्जामिनेशंस by the several boards of the country, the ministry of education has decided, on the recommendation of the council of architecture, relaxed the, the eligibility criteria for the student for this year. now the candidates who have passed 10 plus 2 examination with pcm subjects or 10 plus 3 diploma with mathematics are eligible. For the admission to the first year of the BR course for 2020 and 2021. Remember, this is for this year only. The candidate who has qualified an aptitude test in architecture, that is NATA or GE, admission to the BR course. NATA 2020 shall be an online examination. The first nata test shall be conducted on 29th of august please remember 29th of august and the second test is tentatively scheduled that it is not confirmed but it will be conducted in the second or third week of the september for more information you can go for to the site of the nata or you can contact me